एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी केटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।